हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास का डे वन है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है व्हाट इज अबेकस टू या व्हाट इज अबेकस, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दो टूल दिख रहे हैं, ये है हमारा टीचर अबेकस टूल और ये है हमारा स्टूडेंट टूल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अबेकस का फुल कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप डेली हमारी इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको अबेकस से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, जितने भी, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे टिप्स जो कि बहुत जरूरी है, जो नहीं पता किसी को भी, इंटरनल टिप्स बोल सकते हैं आप उनको, कि जो नहीं पता बट सबको पता है अबेकस क्या है, अबेकस स्मॉल फ्रेंड है, बिग फ्रेंड है, कॉम्बिनेशन है, इसमें टूल्स पे वर्क करते हैं इतना, बट कैसे करते हैं, क्या टिप्स होते हैं, क्या तरीका होता है उसको यूज करने का, पेंसिल को यूज करने का, टूल को होल्ड करने का, कैसे हम फिंगरिंग करते हैं, सब कुछ सब कुछ। जैसे जैसे टर्न आएगा वैसे वैसे सारे टिप्स मैं आपको क्लास के मिड में बताती चली जाऊंगी, तो उसके लिए आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम हमारी क्लास, जिस हमारी क्लास का टॉपिक है अबेकस फुल कोर्स, और आज का हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज अबेकस टूल। क्योंकि अबेकस टूल अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो अबेकस नहीं आएगा। आप अबेकस टूल को रीड करना, प्रॉपरली रीड करना, ये सब कुछ दिख रहा है ना टूल पर, हर एक पॉइंट का अपना एक वैल्यू है। वैल्यू दैट मीन्स अपनी एक विशेषता है कि वो कैसे आपकी हेल्प करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चों के पास ये वाला टूल होता है, ये टूल यूज करते हैं बच्चे, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना लगभग सब बच्चे, कभी शौक से ले आते हैं, कभी पेरेंट्स ले आते हैं उनके लिए, या उनको कभी कहीं से कोई कंपटीशन में भी मिल जाता है। आजकल बच्चों को ये बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये 13 रॉड अबेकस टूल है। ठीक है, 17 रॉड भी आता है, 7 रॉड भी आता है, 21 भी आता है, जैसा आपको नीड हो वैसा टूल आप परचेस कर सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे एक डिजिटल टूल का लिंक भी आपको शेयर कर दिया है कि अगर आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कैसे करेंगे, उस टूल की हेल्प से आप कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट पर आपको अनलिमिटेड वर्कशीट मिलेगी, जो भी टॉपिक में करवाऊंगी आपको क्लास में, उसके वर्कशीट डे बाय डे वहां अपडेट होते रहेंगे और बहुत कुछ वहां पे अवेलेबल भी है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आपको कुछ भी परचेस नहीं करना है, लाइव क्लास में आना है और वेबसाइट पे जाकर हमारी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको परचेस कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपको अपना टाइम, जो आपका वैल्यूएबल टाइम है, वो आपको हमें देना पड़ेगा क्लास करने के लिए। तो ठीक है, तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज अबेकस टूल, तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं कि अबेकस टूल क्या है। तो ये हमारे बच्चों का टूल है और जो पीछे दिख रहा है ये है आपको, ये है हमारा टीचर टूल। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टीचर टूल से कि व्हाट इज अबेकस टूल। अबेकस टूल क्या है, कि अगर आपने उसको अच्छे से रीड कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि आपको टूल रीड करना आ जाएगा तो आपके सामने जब कोई इक्वेशन आएगी नंबर से रिलेटेड, तो वो आपको धीरे 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 करके सॉल्व होती चली जाएगी। क्योंकि आपको टूल पे ही वर्क करने आता है, टूल के टेक्निक्स आते हैं, अबेकस का फॉर्मेट आता है। तो क्या होगा, जैसे ही आपके सामने टूल आएगा आप फटाफट से उसको सॉल्व कर लोगे, विजुअल भी करोगे, वो भी सिखाऊंगी मैं कि फिंगरिंग कैसे करते हैं। बट फिंगरिंग करने का ना एक स्टेप आता है, एक दिन में नहीं होता है। आप सोचें एक दिन में हम फिंगरिंग कर लेंगे, वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप। और सब कुछ कराऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टॉपिक मिस करूंगी। अबेकस के व्हाट इज अबेकस टूल से लेकर हायर डिजिट तक, बोरो रिटर्न, या 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, 5 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, 2 डिजिट बाय 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, या डिवीजन है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है, टूल से मैं सब कुछ करना सिखाऊंगी। बट उसके लिए आपको मेरे साथ कंटिन्यूअसली बने रहना है, क्योंकि जब मैं टिप्स दूंगी ना आपको बीच बीच में, आप जब जाएंगे ना कभी के अच्छा डिवीजन है, तो आप जब वहां जाके ट्राई करेंगे ना, तो कुछ चीजें जब आपको पता नहीं होगी तो आप वहां गलती कर देंगे, डेफिनेटली कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरी क्लासेस डे बाय डे अटेंड करनी पड़ेगी। आज डे वन है हमारा, क्लास ज्वाइन हो गई थी 5:30 पे, बट एरर आ गया, नेटवर्क इशू आ गया और सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो गया। कितना प्रॉब्लम आती है जब आप कुछ अच्छा करते हो, तो आज ऐसा ही हुआ। तो अभी 10 मिनट
पहले हमारे सिस्टम को अपडेट कराया गया और हमने क्लास स्टार्ट कर दी। तो सॉरी, आज की क्लास लेट हो गई, कल से क्लास 5:30 पर ही स्टार्ट हो जाएगी, हो ही जाएगी। कोशिश करूंगी कि आप ऐसा एरर वाला प्रॉब्लम ना आए, बट सिस्टम मेरा राजा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अबेकस टूल का इंट्रोडक्शन, कि व्हाट इज अबेकस टूल। तो ये जो आपको बाउंड्री दिखनी है, जिसने इन सारे प्रोडक्ट्स को, बीड्स को, रॉड्स को बेंड किया हुआ, क्या हुआ है ना बेंड, इसको हम बोलते हैं अबेकस फ्रेम। क्या है ये? अबेकस फ्रेम। ठीक है, अब अबेकस फ्रेम के बीच में आपको एक बार दिख रहा है। नॉर्मली सब इसको क्या कॉल करते हैं? डिवाइडर कॉल करते हैं, बट हम इसको इजी बनाने के लिए कॉल करते हैं आंसर बार। ये क्या है? हमारा आंसर बार। अब आंसर बार ने पता है क्या किया? आंसर बार ने ये किया कि इस टूल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया? टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट में क्विज है, और जो मेरी क्लास को डेली ज्वाइन करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे लाइव क्विज के आंसर करेगा, उनको मैं अबेकस के लेवल 1 का कंप्लीट किट फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करूंगी। ठीक है, जिसमें अबेकस के लेवल 1 का बुक ए, बुक बी और टूल, तीनों प्रोडक्ट होंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे। बट उसके लिए एक लाइव आना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ताकि मुझे पता रहे कि ये नाम डेली आ रहा है। ठीक है, मैं नोट डाउन करूंगी कि डेली कौन कौन आ रहा है। ओके, तो ठीक, तो वापस चलते हैं हमारे टूल पर। ये इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया। तो ये है हमारा अबेकस फ्रेम। अबेकस फ्रेम ये है हमारा आंसर बार। अब आंसर बार ने क्या किया? हमारे टूल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ये ऊपर वाला पार्ट अपर पार्ट, और नीचे वाला पार्ट है लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट के जो बीड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अपर बीड्स। क्या बोलते हैं? अपर बीड्स। और नीचे वाले बीड्स को क्या बोलते हैं? लोअर बीड्स। लोअर बिट्स। आप लाइव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर कर सकते हो, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, कोई क्लास में है, तो इंटरेक्शन बना रहेगा और मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये अपर बीट्स, ये लोअर बीट्स। ठीक है, अपर पार्ट्स के बीट्स को हम क्या बोलते हैं? अपर बीट्स। और लोअर पार्ट्स के बीट्स को हम क्या बोलते हैं? लोअर बीट्स। एक माइनर रिविजन, अबेकस फ्रेम, आंसर बार, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, अपर बीड्स, लोअर बीड्स। यहां तक क्लियर? अब ये जो बीड्स है ना, इन किस में बैंड है? इन रॉड्स में, है ना, इन रॉड्स में बैंड है। तो ये जो बीड्स का वैल्यू होता है ना, वो कैसे चेंज होता है? इन रॉड्स की वजह से चेंज होता है। ये रॉड डिसाइड करती है कि बीड्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब बीड्स का वैल्यू कैसे डिसाइड होता है? थोड़ा सा बीट्स पर भी डिपेंड करता है। तो बीट्स का वैल्यू क्या होता है? ये लोअर बीट्स जो होते हैं ना, इनके सबका वैल्यू होता है 1 1 1 1। कहीं से भी कोई भी बाइट, यहां इससे लेके यहां तक आप बीट ऊपर करेंगे तो ये सब 1 है। कोई भी 1 1 1 1, नीचे वाले जितने भी बीट्स हैं वो सब 1 होते हैं। ठीक है, 1000 कैसे बनेंगे ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, 1। और जो अपर बीट्स हैं, उनकी सबकी वैल्यू 5 होती है। कहीं से भी कोई भी आप डाउन कर दो, 5 होगा वो। ओके, तो लोअर बीट्स का वैल्यू 1 और अपर बीट्स का वैल्यू 5। कहीं भी कुछ समझ में ना आए ना, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो मैं आपका डाउट तुरंत ही क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब अपर बीट्स का वैल्यू आपका 5 हो गया, लोअर बीट्स का वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब रॉड कैसे डिसाइड करेगी कि बीट्स का वैल्यू चेंज कब कहाँ होगा? तो रॉड ऐसे डिसाइड करती है कि ये जो 5 ब्लैक पॉइंट है ना, ये दिख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे मैम ने ये नहीं बताया, ये क्या है? ये हमारी यूनिट पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट पॉइंट्स। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, अब बताओ, अब देखो इस बीच वाले पॉइंट की वजह से क्या होता है ना, कि बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें यहां से स्टार्ट करना है। आप देखना, कई बच्चे टूल के यहां से वर्क करते हैं। कहां से करते हैं? इस कॉर्नर से। क्यों करते हैं? किसने सिखाया उनको ऐसा? सिखाया किसी ने? किसी ने बताया नहीं उनको कि कभी भी कॉर्नर वाले पॉइंट से वर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो भी मैं आपको बताती हूँ।
ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, ये हमारा होम पॉइंट होता है, ये टूल का होम है। आपको जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है तो आप इस रॉड से करेंगे। ये रॉड कौन सी है हमारी? वंस रॉड। कौन सी रॉड है हमारी? ये होम पॉइंट और ये वंस रॉड। ये होम पॉइंट ही बताता है आपको कि आपका वंस रॉड है, ठीक है। तो ये वन 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 और ये फाइव है, ठीक है। अब इस होम पॉइंट ने क्या करा, रॉड ने टूल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिर्फ आंसर बार ही टूल को डिवाइड नहीं करता है, ये वंस रॉड भी डिवाइड करता है। क्यों करता है? ये जो वंस रॉड है, वंस रॉड का जो यहां से यहां तक का लेफ्ट साइड का पार्ट है टूल का, टूल का जो लेफ्ट पार्ट होता है, वहां पे हम क्या क्या कर सीखते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। क्या क्या सीखते हैं? मल्टीप्लीकेशन। ये हम वर्क करेंगे लेवल 3 तक। लेवल 3 तक हायर कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ जाता है आपके, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जब सारा काम यहाँ हो जाएगा तो इसके आगे का काम डिवीजन यहाँ पे होता है, डेसिमल इसके बिना नहीं होगा, एलसीएफ एचसीएफ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस तब ये पूरा टूल काम में आता है। बट लेवल 3 तक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक काम में आता है। तो मैं जो बोल रही थी ना आपको कि बच्चों को यहाँ से नहीं करना, वो इसलिए नहीं करना, अगर बच्चे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डिवीजन के लिए बाहर कहाँ से लाएंगे? और जब उनको आदत यहां से पड़ जाएगी करने की, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो मेरे पास लाइव आते हैं, कहीं और जाते थे, उनको नहीं सिखाया गया कि बेटा यहां से नहीं, यहां से किया जाता है। तो जब यहां से करने का प्रैक्टिस नहीं डाला, लेवल 4 लेवल 5 में आने के बाद वो बच्चों को बोलते हैं नहीं अब आपको यहां से नहीं, यहां से करना, बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनका हैबिट ही नहीं बनाया। तो डे 1 से बच्चों को यहां से वर्क कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो नहीं पता किसी को भी, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमारे होम पॉइंट और वंस रॉड से, और वंस रॉड वाला जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। तो जब भी मैं क्लास में भी करवाऊंगी ना, तो कहाँ से शुरू करना है? यहां से। कल की क्लास में बताऊंगी पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं, टूल कैसे होल्ड करते हैं। टूल को पकड़ने का भी अपना तरीका है, पेंसिल पकड़ने का भी अपना तरीका है। ये सब डे बाय डे जैसे जैसे आएगा, जब पेंसिल यूज करने का टाइम आएगा तो पेंसिल होल्ड करना बताऊंगी, टूल यूज करना का दिन आएगा तो टूल भी होल्ड करना बताऊंगी। एक प्रॉपर वे क्या है, सब कुछ प्रॉपर वे में होगा, डेप्थ के साथ होगा, ठीक है। ये अब हमारा वंस रॉड है, ठीक है। वंस रॉड का जो लेफ्ट पोर्शन है, मैंने आपको बोला एडिशन जब होगा, मैंने देखो 10 और 100 इसलिए लिख रखा है साइन के लिए ताकि आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। तो ये वंस रॉड, ये टेंस रॉड, ये 100 रॉड। अगर ये 1 है तो ये डेफिनेटली 10 है, और ये 100% 100 है, ओके। ये 1000 है, ऐसे करके बीट्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपकी आदत बन जाएगी बीट्स के साथ वर्क करने की, खेलने की। मैं तो बोलती हूँ अबेकस का नाम जबरदस्ती हार्ड बनाया हुआ है। अबेकस तो वो फनी प्रोग्राम है जो बच्चे खेल खेल में कर सकते हैं, अगर हमें उन्हें खेल खेल में करवाना आए तो। क्योंकि मेरे साथ तो बच्चे बहुत खुश होके करते हैं, जितने भी बच्चों ने मेरे पास अबेकस पढ़ाया बहुत खुश होके पढ़ाया आज तक, ठीक है। तो अबेकस का दूसरा नाम है लेट फन बाय अबेकस। चलिए हमारा ये हो गया वंस रॉड। अब थोड़ा सा रिवीजन आज के लेसन का कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। ये है हमारा अबेकस फ्रेम, ये आंसर बार, ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये अपर बीट्स, ये लोअर बीट्स। अपर बीट्स का वैल्यू 5, लोअर बीट्स का वैल्यू 1। ये होम पॉइंट, और अब क्या बचा? टूल को लेके हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है? नहीं है? 1 to 20 बनाना सिखा दूं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस। क्योंकि मुझे तो जल्दी जल्दी क्लास करवानी है, जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कराने, ठीक है। ये क्लासेस से रिलेटेड जो भी वर्कशीट होंगे ना, ये आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और जो डेली अपडेट आएगी वो टेलीग्राम चैनल पर आएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट में वर्कशीट्स दूं या मैं कोई भी चीज दूं तो आप उसको मिस ना करें।
आप क्लास कर रहे हो और अगर आपके पास हेल्पिंग टूल नहीं होंगे, ये वर्कशीट्स हैं या डिजिटल टूल है या आपके हेल्पिंग टूल है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वर्कशीट के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, अगर आप वहां जाके करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे, कोई चार्ज नहीं है वहां पे। आपको पता है गूगल ने हमारे को इतनी फैसिलिटी दे रखी, हमें उसे यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वन स्लॉट पे 1 to 9 बनाना। ये हमारा वन स्लॉट है होम पॉइंट। तो अब ये वन बीड अप किया हमने, आंसर बार है, वन बीड ऊपर हुआ तो क्या बन गया, वन बीड ऊपर हुआ तो क्या बन गया, वन। अब 1 + 1 क्या बन गया, टू। अब 1 + 1 क्या बन गया, 1 + 1 और +1 क्या बन गया, थ्री। बना थ्री बना, एक और 1 प्लस कर दिया तो क्या बन गया, फोर बन गया। यस, अब हमें 5 बनाना है। ठीक है, अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना वो बहुत वर्क करता है हमारे अबेकस में, बहुत। 5 के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, -4 + 5। ठीक है, अब देखो जब हम 1 बीट अप करते हैं, लोअर बीट को अप करते हैं तो वो प्लस होता है, बिल्कुल उसी के ऑपोजिट जब 5 को डाउन करते हैं ना तो वो प्लस होता है, और ये 5 जब ऊपर जाता है तो माइनस होता है। दैट मीन्स +5 -5, +5 -5। तो 5 के लिए क्या किया हमने, -4 + 5। ठीक है, क्या किया हमने, -4 + 5। अब 5 बन गया। अब 5 के बाद हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। क्या चाहिए, 6। तो 6 कैसे बनेगा, 6 कैसे बनेगा, 5 में क्या प्लस करेंगे, 1। 5 में क्या प्लस करेंगे, 1। तो ये 5 + 1 क्या बन गया, 6 बन गया। यस, अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 7। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 7। तो 5 + 2 प्लस करना, तो 2 कहाँ है, 1 और 1 2, तो ये बन गया हमारा 7। क्लियर, 7 बन गया। यस, अब हमें बनाना है 8। तो 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में 3 बीट प्लस करने पड़ेंगे, तो ये 5 डाउन और 1 + 1 + 1 3 अप, तो क्या बन गया, 8 बन गया। यस और नो, यस। अब नेक्स्ट, अब हमें बनाना है 9। क्या बनाना है, 9। तो 5 डाउन 4 अप, 1 + 1 + 1 + और 1 + क्या बन गया, 9। 9 बन गया। यस, यहां तक क्लियर, एनी डाउट, ओके। ठीक है, अब हमें बनाना है 9 के बाद क्या आएगा, 10। 10 सबको नॉर्मली पता है, बट टूल पर कैसे आएगा, तो टूल पर आएगा, ये हमारा टेंस का रोल है, लेफ्ट साइड। हमेशा टूल के, आपका जो ये टूल रहेगा इन हैंड, उसके लेफ्ट साइड जाना है आपको, ये हमेशा याद रखना है, लेफ्ट साइड। राइट साइड पे आपको अभी वर्क नहीं करना है, जब मैं बताऊंगी तब करना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का जब 1 बीट ऊपर करेंगे तो 10 बनेगा, बट अगर आप अभी 10 बना दोगे ना तो ये 19 बन जाएगा, पर हमें 19 नहीं बनाना है, हमें 10 बनाना है। ये एक और टेक्निक का पार्ट है जो अबेकस में हमेशा काम आता है, हमेशा काम आता है और दिमाग को भी घुमाता है, अगर आप समझते नहीं हो तो। 9 रिमूव, -9, क्या बोलते हैं इसको, -9 + 10, तो क्या बन गया, 1 0। 1 स्लॉट पे 0 कर दिया हमने, जब यहाँ कुछ नहीं होता है, कोई बीड नहीं होता है, तो ये 0 होता है, कुछ नहीं है, दैट मीन 0, तो ये 1 0 विजुअल हुआ, हुआ विजुअल। विजुअल होने का एक छोटा सा पॉइंट ये है कि 1 0। ठीक है, अब 1 0, 10 बन गया। अब 10 को हमें बनाना है 11, तो 10 में क्या प्लस करना पड़ेगा, 10 + 1, 1 + 1 11। ठीक है, 1 + 1 11। अब हमें बनाना है 12, तो 1 स्लॉट पे 2, तो 1 + 1 10 1 1, 10 और 2 12। देखा, नंबर शो हो रहे हैं, 10 और 2, अभी क्या बन गया, 10 11 12 13। ठीक है, अब क्या बन गया, 10 11 12 13 14, 14 बन गया।
यस 14 बन गया, ठीक है। अब हमें बनाना है 15, ये एक और पार्ट है टेक्निक का, एक और पार्ट है। 15 क्या करेंगे, -4 +5 क्या बन गया, 10 और 5 लोअर, 10th रोड 1 बीट अप है तो ये 10, और 1st रोड का अपर बीट डाउन है तो 5, 10 5 15, 1 5 नंबर से देखोगे तो 1 5 15, अभी क्या बन गया, 6 बनाएंगे हम 1st रोड पे, 5 और 1 क्या बन गया 16, अभी 5 6 7 और ये 10, 10 और 7 17, अब 10 और 8 18, अब 10 और 9 19, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, नहीं है तो भी बताइए, क्योंकि कल की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी 20 से लेके 50 तक का, और अगर आपने कवर किया मेरे साथ कन्वर्सेशन किया कमेंट बॉक्स में तो मैं हो सकता है 100 तक भी करवा दूं। कल मैं आपसे इस तरह के क्विज पूछूंगी, कुछ ऐसे क्विज पूछूंगी कल की क्लास में, ये कौन से नंबर हैं, ये कल की क्लास में होगा, तो कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको क्विज करने को मिलेंगे। आज आपने जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके कमेंट जरूर बताइएगा, और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी, मैंने आपको बोला है कि आपको वर्कशीट्स में अवेलेबल करवा दूंगी, तो डोंट वरी, आपको वर्कशीट 100% मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, तो आप क्लास ज्वाइन करिए, और आज की क्लास का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा 20 से लेके 50 या 100 तक के नंबर, अगर जैसे भी आप कवर करेंगे, आप पे डिपेंड करेगा कि कोर्स में कैसे करवाऊंगी, क्योंकि इंट्रेक्शन होगा तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितना कर रहे हो। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।